योगी की टीम के खिलाड़ी अखिलेश को जिताने में क्यों लगे हैं? योगी आदित्यनाथ के एक दो मंत्री भी बहुत दाएं बाएं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के एक मंत्री भी अखिलेश के दाएं बाएं भटक रही हैं। योगी आदित्यनाथ को अपनों से मिल सकता है धोखा, तैयार रहें। जंग के मैदान में कोई भी कहीं भी किसी को धोखा दे सकता है। समाजवादी पार्टी की फील्डिंग में बीजेपी के एक दो बड़े चेहरों का विकेट गिर सकता है, हालांकि वो अभी जीवनदान पाकर सुरक्षित हैं। बीजेपी सरकार में मंत्रियों पर भी समाजवादी पार्टी की नजर है। मंत्री को तोड़कर सपा इस बात का इशारा करेगी कि यूपी में माहौल योगी के खिलाफ है। अनुप्रिया पटेल का चुनाव के वक्त ये कहना कि राजनीति में संभावनाओं का रास्ता हमेशा खुला रहता है, इसका मतलब साफ है वो बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स बना रही हैं, ताकि बीजेपी उनकी सुने, उनकी माने और उनकी मांगी हुई सीटों पर बीजेपी विचार करे। और नहीं सुनती है तो फिर समाजवादी पार्टी की उसी 100 सीट पर निशाना है जहां हर छोटी पार्टी नतमस्तक है। पहले अनुप्रिया पटेल पर आते हैं, फिर योगी सरकार के मंत्री पर आएंगे। समाजवादी पार्टी 100 सीटों पर अपने सहयोगियों को 2022 में लड़ाएगी। उसी 100 सीट की आशा में सभी छोटी पार्टियां सपा की तरफ अपना रुख कर रही हैं। तो क्या अब अनुप्रिया पटेल भी उसी 100 सीटों में आरएलडी की तरह 20 से ज्यादा सीटें चाहती हैं? बीजेपी अनुप्रिया पटेल को शायद 20 सीटें ना दे। और एक मुश्किल और भी है, अनुप्रिया पटेल को बड़े बड़े सपने आने लगे हैं, पार्टी का विस्तार करना है, इसीलिए आजमगढ़ तक रैली करने पहुंच रही हैं और बीजेपी उन्हें दायरे में रखती है। तो क्या दायरा बढ़ाने के लिए अनुप्रिया पटेल ने सपा की तारीफ कर पासा फेंका है? ऐसा दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार के एक दो मंत्री भी नाराज हैं और जो सपा से लगातार संपर्क में हैं, वो कौन है अभी हम साफ तौर पर उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो दाएं बाएं कर रहे हैं और मौका देख योगी को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। अभी हाल ही में उनकी बेटी का अपमान मंच पर हो गया था। दावा है कि उनको पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है। समाजवादी पार्टी योगी के मंत्री को तोड़कर साफ संदेश देगी कि योगी का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन क्या ऐसी संभावनाएं हैं या ऐसे चेहरे बीजेपी के लिए जरूरी नहीं बचे हैं? चूंकि बीजेपी सत्ता में है, इसलिए बीजेपी से ज्यादा नाराजगी देखी जाएगी और बीजेपी को इसी मुसीबत से निकलना होगा और इसी मुसीबत का फायदा उठाकर अखिलेश यादव बीजेपी के कई नेताओं को तोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के बड़े नेता ऐसे नाराज नेताओं को मना पाएंगे या नहीं, ये वक्त बताएगा। बड़ी बात यह है कि इस वक्त में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि सपा हर कोशिश कर रही है शाम दाम दंड भेद की कोशिश से ही चुनाव यूपी में जीतने का प्रयोग लंबे वक्त से होता रहा है और इस बार भी ऐसा ही होगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को सचेत रहने की जरूरत है और कोई धोखा न दे इस बात पर भी काम करने की जरूरत है। शिवम श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत टीवी।